शिव शंकर भोले भाले
महिमा शिव की अगम्य अपार, महिमा शिव की अगम्य अपार। जय महेश जय भव भय हारा, जय महेश जय भव भय हारा। जय करुणा सागर कर पारा, जय करुणा सागर कर पारा। हे भस्म रमाने वारु, हे भस्म रमाने वारु, संत लार संत गंगाधर, जय महेश जय जय गंगा। बम बम भोले शिव शिव हर हर, बम बम भोले शिव शिव, बम बम भोले शिव शिव हर हर, बम बम भोले। निराकार करुणा के सागर, निराकार निराकार करुणा के सागर, निराकार। भक्तों के रखवाले, हे भक्तों के रखवाले, संतो लार संतो लार संतो लार। शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, संतो लार संतो लार संतो लार संतो लार। मैंने अभी आपको निवेदन किया कि आगे आने वाले सोमवार को शिवरात्रि है। शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण, शिव माने कल्याण, और शिव में से ई हटा दो तो होता है शव माने डेड बॉडी। तो ई क्या है, महात्मा कहते हैं ई ई भगवती हैं, एकारस्तु पराशक्ति ही। एक संस्कृत में एक अक्षरी कोश है जिसमें वर्णों का अर्थ दिया हुआ है। अ से क्या, अकारस्तु परब्रह्म, अ कहने से परमात्मा का नाम होता है अ, और ई कहने से जगदम्बा का नाम हो जाता है। तो जगदम्बा के साथ जब शिव रहते हैं तो शिव होते हैं, नहीं तो वो सब ही हो जाते हैं। भगवती ने जब विवाह किया, सोमवार को हमारे यहाँ मंदिर में शिव विवाह का भी कार्यक्रम है, आप सब लोग आए। और एक विशेष बात जो पहली बार मंदिर में हो रही है, हिंदुस्तान की तरह से हम लोगों ने विचार किया, चलो आपको लगे कि हिंदुस्तान में आ गए। मंदिर 4 बजे खुलेगा, सवेरे 4 बजे, और अचंभे की बात है, एक बहन जी परसों आई, कहते कि मैं तो 4 बजे ही आ जाऊंगी थी, और मुझे यहाँ बैठकर शिवरात्रि के दिन नमः शिवाय मंत्र जपना है। ये तो बहुत अच्छी बात आपने की, प्रातःकाल 4 बजे। अमृत वेले ते जागन राम प्यारे, सुते रहन देने जेड़े कर्मा दे वाले मारे। अमृत वेले अमृत मिलदा, कष्ट दूर हो जांदा दिल दा, मन भी धीरज धारे वेले अमृत दे। अमृत वेला खाली सवेरे का 4 बजे का ही समय नहीं है, मनुष्य शरीर भी अमृत वेला है। मनुष्य शरीर भी हमें निकलने का मोक्ष का द्वार है, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा, सो परत्र दुख पावहीं, सिर धुनि धुनि पचिताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वो गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि देखो, ये मनुष्य को जो शरीर मिला है, ऐसा सुंदर शरीर, ये साधन का धाम है, ये अमृत वेला है, और इसमें अमृतत्व को प्राप्त करना चाहिए। शिव जी ने अमृत पिया। काशी में एक बार बड़े बड़े विद्वान पंडित बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा कि अमृत जो शब्द है ये कहाँ मिलता है। अमृत का पान शिव जी ने किया था, वास्तव में अमृत किसको कहते हैं। तो बड़े भारी विद्वान बैठे थे,
तो शास्त्रार्थ होता है, शास्त्रार्थ कोई कुछ बोलता है तो फिर उस विषय पर विचार किया जाता है, फिर कोई दूसरा कुछ कहता है उस पर भी विचार किया जाता है। एक व्यक्ति ने कहा हम बताएं अमृत कहाँ मिलता है, बोले हाँ भारत बताओ, हम अमृत पाना चाहते हैं। शिव जी ने तो जहर पी लिया, देवताओं ने अमृत पिया और शिव जी जहर पीकर भी मरे नहीं, और शिव जी दूसरे देव तो देव कहलाते हैं, शिव जी तो आज भी महादेव कहलाते हैं। वो बात हम आपको कहेंगे कि यदि हम शिव जी की पूजा करते हैं तो थोड़ा जहर भी पीना चाहिए, और आप लोग पीते ही हैं रोज, हम लोगों को थोड़ा थोड़ा जहर पीना पड़ता है, कभी कभी अपमान का जहर पीना पड़ता है, कभी कभी कोई ऐसी बुरी बात कह देता है आपका मन करता है कि बस क्या कर डालें, लेकिन आप जहर पी करके चुपचाप हो जाते हैं, क्योंकि मालूम है अगर इसने 011 घुमाया तो पुलिस आके मेरा क्या हाल करेगी। आप जहर पी लेते हैं, कितनी बार जहर पीते हैं, जो जहर पीते हैं वो नीलकंठ बनते हैं, महादेव बनते हैं, और जो जहर नहीं पीते उनका क्या दशा होती है, भटकना संसार में, अनेक दुख पाना। तो विद्वानों का विचार हो रहा था, कहते हैं भाई अमृत कहाँ रहता है, बोले एक व्यक्ति ने कहा हम बताएं, बोले बताओ, बोले सागर में रहता है, क्योंकि सागर से ही देवताओं ने और दैत्यों ने अमृत का समुद्र मंथन करके अमृत की प्राप्ति की थी, 14 रत्न निकले थे, उनमें से एक अमृत भी था। एक विद्वान खड़े थे, वादी प्रतिवादी भ्याम निर्णीत सिद्धांत, एक बात कह दी जाती है वो सिद्धांत नहीं होती है, सिद्धांत कब होती है, सार्वजनिक कब होती है वो बात, जब सिद्ध अंत यस्य सिद्धांत, वो हमेशा के लिए कि अमृत सागर में रहता है ये बात कोई और भी बतावे, इसको अनुमोदन करे। एक विद्वान ने कहा सागर में अमृत नहीं रहता, बोले क्यों नहीं रहता, ईद हमने देखा है कि देवता दानवों ने सागर का मंथन करके अमृत निकाला, आप कैसे कहते हो नहीं रहता, कथा तो ऐसी कहती है। तो विद्वान ने कहा कि वो जो सागर में से अमृत निकलता है वो अमृत असली अमृत नहीं है, असली अमृत वो नहीं है, तो फिर कौन सा है, बोले वो तो हम नहीं जानते लेकिन वो नहीं है। क्यों नहीं है, कि भाई सागर में यदि अमृत होता तो सागर का पानी कोई पीने के मतलब का होता है, सागर का पानी कोई पी नहीं सकता, कोई कपड़े नहीं धो सकता, कोई स्नान नहीं कर सकता सागर में, और आप कहते हो सागर में अमृत रहता है, सागर में अमृत होता तो सागर का पानी मीठा हो जाता, इसका अर्थ है सागर में अमृत नहीं है, और अगर है तो वो सच्चा अमृत, हम उसको नहीं मानते। किसी दूसरे विद्वान से पूछा, फिर कहा भाई और कोई बताओ अमृत कहाँ रहता है, दूसरा विद्वान कहता है हम बताते हैं अमृत चंद्रमा में रहता है, अब्धौ विधौ वधुमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदन्ति। ये शास्त्रार्थ का एक श्लोक है, कहा कि सागर में रहता है, बोले सागर में तो नहीं रहता क्योंकि सागर का पानी खारा होता है और अमृत मधुर है, बोले सागर में नहीं रहता चंद्रमा में अमृत रहता है। आयुर्वेद के अनुसार चंद्रमा की किरणें जब औषधियों के ऊपर पड़ते हैं, जब तक चंद्रमा की किरणें औषधियों पर नहीं पड़ती उसमें रोग को नष्ट करने की शक्ति नहीं आती, औषधि में जो रोग को नष्ट करने की शक्ति है वो अमृत की शक्ति है, क्योंकि चंद्रमा की किरणों से वेद यजुर्वेद में औषधि नाम पतये नमः, चंद्रमा को औषधियों का पति कहा गया है, औषधियों का मालिक कहा गया है। चंद्रमा, हम जो गेहूं खाते हैं उसमें भी अमृत है, क्योंकि हम उसके अगर वो नहीं खाएंगे औषधि से युक्त, हमारे शंकराचार्य भगवान ने कहा कि जो भोजन करते हो वो सबसे बड़ी दवाई तो भोजन है, रोटी है, कि सबसे बड़ी बीमारी क्या है, सबसे बड़ी बीमारी है भूख, और सबसे बड़ी दवाई क्या है, सबसे बड़ी दवाई है रोटी, भूख से बड़ा कोई रोग नहीं है संसार में। इसलिए कहा क्षुद व्याधिष्ठ चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्ष औषधम भुज्यताम साधन पंचक, शंकराचार्य जी ने साधन पंचक एक स्तुति लिखी है छोटी सी, 5 श्लोक है, कभी कभी मैं उनमें से सुनाता रहता हूँ आपको।
तो उसने कहा कि भूख की बीमारी को मिटाओ और भिक्षा रूपी, भिक्षा माने जो साधारण भोजन है, जो साधारण भोजन खाते हैं वो बड़े स्वस्थ रहते हैं, और ज्यादा ध्यान रखते हैं भोजन का वो बीमार हो जाते हैं। साधारण भोजन बिल्कुल सिंपल। तो कहते हैं चंद्रमा में अमृत है। दूसरा विद्वान कहता है आप कैसी बात करते हो, चंद्रमा में अमृत है। चंद्रमा में अमृत यदि होता तो चंद्रमा पूर्णिमा के बाद क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है, कृष्ण अमावस्या के बाद में, और फिर एक फिर कम होता है, फिर कम होता है, फिर कम होता है, और अमावस्या के दिन पूरा बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो चंद्रमा में अमृत होता है, चंद्रमा की कलाओं का क्षय क्यों होता है, तो चंद्रमा में भी अमृत नहीं है। एक किसी साहित्य के विद्वान ने कहा, हम बताते हैं अमृत कहाँ रहता है। उन्होंने अपनी दृष्टि से कहा नवोढ़ाओं के अधरा अमृत का बड़े बड़े विद्वान पान करते हैं, वहां अमृत रहता है। देखो संसार में पान करते हैं लोग, बोले फिर उस अमृत का पान करने वालों की मृत्यु क्यों होती है। उत्तर तर्क दिया, यदि वहां अमृत होता तो उनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, वो मृत्यु होती है। तो अबदऊ विदऊ बदमुखे, तीन जगह अमृत का निषेध किया गया। चौथी जगह अमृत बताया कहां रहता है, किसी ने कहा फणिनाम निवासे, जहां सांप रहते हैं वहां अमृत का कलश होता है। वहां चारों जो हमारे कुंभ होते हैं ना, तो अमृत के कलश को लेकर गरुड़ जी गए, और गरुड़ जी ने उज्जैन में रखा, प्रयागराज में, इलाहाबाद में रखा, हरिद्वार में रखा, नासिक में रखा, और चारों जगह वो कुंभ के मेले मनाए जाते हैं। हरिद्वार में ब्रह्म सरोवर है, थोड़ी सी अमृत की बूंद वहां गिर गई थी, और आज तक हम लोग उस अमृत को ढूंढते हैं, वहां ब्रह्म सरोवर में स्नान करते हैं, नासिक में स्नान करते हैं, कुंभ मेला लगता है कि अमृत गिरा था यहां पर, वही अमृत। तो अवधो विधो बुधमुखे फणिनाम निवासे, वो सर्पों से बचाकर गरुड़ जी अमृत को लेकर आए थे, तो सर्पों के पास अमृत रहता है। विद्वान ने कहा कि सांपों के पास यदि अमृत होता तो जहर क्यों होता, सांपों के पास अमृत नहीं है। अवधो विधो बुधमुखे फणिनाम निवासे क्षारम क्षयम पतिमृतम गरलम, क्योंकि वहां समुद्र में नहीं है क्योंकि उसका पानी खारा है, चंद्रमा में नहीं है क्योंकि उसका क्षय होता है, और नवोडाओं के अधरों में नहीं है क्योंकि उनके पीने वालों की मृत्यु होती है, और सांपों में नहीं है क्योंकि वहां जहर होता है। तो फिर कहां रहता है, स्वर्गे सुधा वसति वही विबुधा वदन्ति, स्वर्ग में अमृत रहता है। इंद्रादि देवता अमृत का पान करते हैं और दीर्घ काल तक जीते हैं, कहते हैं वहां पर मरना नहीं होता है, स्वर्ग में, स्वर्ग में बुढ़ापा नहीं होता है, स्वर्ग में बीमारी नहीं होती है, अमृत पीते हैं वो लोग। लेकिन एक विद्वान ने कहा कि यदि ऐसा है तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त लोकम विशंति, स्वर्ग में रहने का परमिट होता है। स्वर्ग में रहने का परमिट कैसे मिलता है, परमिट कैसे मिलता है, परमिट के लिए कुछ देना पड़ता है, कोई टिकट मिलता है, उसकी एक अवधि होती है, इतने दिन तक तुम इंद्र बनकर स्वर्ग में रहोगे, इतने दिन तक तुम वरुण बनकर स्वर्ग में रहोगे। टिकट की कीमत क्या होती है, टिकट की कीमत है पुण्य, आपने अच्छे काम किए, और ऐसे अच्छे काम किए हमारे संसार में 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले का नाम होता है शतक क्रतु, और शतक क्रतु इंद्र का नाम मिलता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करो तो इंद्र बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, हम इंद्र बन सकते हैं 100 अश्वमेध यज्ञ किए हमने। 100 अश्वमेध यज्ञ हम लोग कर नहीं सकते, राजा ही अश्वमेध यज्ञ करता है, क्योंकि उसमें राजा की ही योग्यता होती है करने की। राजा अश्वमेधेन यजते, वेद में ऐसी एक उक्ति है। तो मैंने आपको निवेदन किया कि स्वर्ग में भी अमृत तो है, लेकिन वो भी अमृत सापेक्ष अमृत है, वो अमृत भी परिपूर्ण अमृत नहीं है। क्यों, यदि वो भी अमृत होता तो देवताओं को स्वर्ग से नीचे नहीं आना चाहिए था, उस अमृत का पान करके वो अमर हो जाते। तो निष्कर्ष क्या निकला बताते हैं।
तो कहते हैं अवधौ विधौ बदमुखे परिणाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति वही विबुधा वदन्ति क्षारात क्षयात पतिमतात गरलात पतत्वात संगे सुधा वसति वही भगवत जनानाम। अमृत कहाँ रहता है? बोले अमृत हिंदू मंदिर में रहता है। कहाँ रहता है? जहां सत्संग होता है। सत्संग विच अमृत वसदा कोई जिसे जिसे पीना हो सो पीवे। जहां पर महापुरुष रहते हैं, विचारवान पुरुष रहते हैं, आप लोग जैसे साधक रहते हैं, जो मंदिर में आते हैं अपना बहुमूल्य समय निकालकर, आपके चिंतन में आपके विचार में अमृत है। विचारों का ही अमृत, जो शुद्ध विचार श्रेष्ठ विचार आप लोगों को मंदिर में विभिन्न विद्वानों के द्वारा प्राप्त होते हैं, वही अमृत है। संगे सुधा वसति वही भगवत जनाना। आप लोग बड़े सुबुद्ध हैं। एक मैं आपसे शंकराचार्य जी की कुछ उक्ति आपसे जरूर कह दूं शिवरात्रि के पर्व के उपलक्ष्य में। शिव जी जहर पीते हैं, हम लोग अमृत पीते हैं। यदि हम उस अमृत को पी लें तो फिर हमें विष भी, संसार का विष भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने ऐसा डॉक्टरों से कई बार सुना गया है। एक आयुर्वेद के बड़े भारी डॉक्टर थे और कोई बहुत भीषण रोगी था, तो कि उसने कहा ये कैसे ठीक होगा? बोले इसके लिए कोई कुचला नाम की औषधि होती है, बोले वो इसको देनी पड़ेगी। एक दूसरे पंडित बैठे थे, बोले वो तो जहर होता है, बोले हाँ जहर ही इसको देना पड़ेगा और जहर देने से ये ठीक हो जाएगा। कई बार बड़े भीषण, आप जब कोई दवाई कोई सिरप लेकर आते हैं, आप अपने लिए लेकर आते हैं कोई बीमारी को ठीक करने के लिए, लेकिन उस पर लिखा होता है पॉइजन, उस पर पॉइजन, लेकिन आप उसको पीते हैं, उस पर पॉइजन लिखा होता है, जहर है ये, कोई दूसरा इसको बचा के रखें, बच्चे इसको ना छू ले, क्योंकि ये रोगी के लिए अमृत है, बाकी के लिए जहर है। तो शंकराचार्य भगवान ने एक स्तोत्र लिखा, प्रत्येक सोमवार को हम यहां पढ़ते हैं, उसका नाम है शिव मानस पूजा। आप लोगों को हम आह्वान करते हैं कि शिवरात्रि के दिन आप आइए, सवेरे 4 बजे से मंदिर खुलेगा और शिवलिंग यहां स्थापित होंगे, जो शिवलिंग आप दर्शन करते हैं, और 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक यहां पर अखंड नमः शिवाय का एक जप यज्ञ चलेगा, आप उसमें भाग लीजिए, और उसके बाद शाम को 4 से 6, फिर 6 से 8, फिर 8 से 10, 10 से 12, ये शिव जी की पूजा विशेष पूजा होगी। शिवरात्रि का दिन विशेष पूजा है। कई बहन भाइयों ने आने का कहा भी है कि हम लोग आएंगे, आप सब लोग आए। विशेष अवसर पर की गई पूजा विशेष फल देती है। लेकिन एक बात हम आपको कहें, क्योंकि आप जितने लोग बैठे हुए हैं, आप लाखों नहीं करोड़ों में से एक हैं, क्योंकि ऐसे हिंदुस्तान से या कहीं से किसी को जल्दी से वीजा तो मिलता नहीं है, और वीजा मिल जाए तो फिर पीआर मुश्किल से मिलता है, सिटीजनशिप मुश्किल से मिलती है। आप लोगों ने बड़ी 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 परीक्षा दे करके यहाँ निवास, और बड़े आप इंटेलिजेंट, आपकी इंटेलेक्चुअल पावर इतनी बढ़िया है। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि मैं आपको एक ऐसी पूजा बताता हूँ, आप सुन तो लीजिए कम से कम, क्योंकि कई भाई बहन हो सकता है, हम तो आपको आह्वान करते हैं, हमारे जो जॉब है उस दिन हम तो नहीं आ सकते, हमें तो एक जगह कहीं बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है, हम तो शिवरात्रि के दिन नहीं आ सकते। हो सकता है कई बार ऐसा होता है, भगवान ना करे, मैं अपने लिए कहूं कि मैं इतना बीमार हो जाऊं और मौत सामने खड़ी हो और शिवरात्रि का दिन हो, तो मैं कहूं कि मैं शिव जी के मंदिर में कैसे जाऊं, कैसे पूजा करूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं उठ भी नहीं सकता, हिल भी नहीं सकता। ऐसे भीषण परिस्थिति में पूजा करने के लिए शंकराचार्य भगवान ने एक श्लोक कहा, वो कहते हैं, जरा ध्यान दीजिए, शंकर भगवान का स्वरूप क्या है और शंकर भगवान कहाँ रहते हैं। तो शंकराचार्य आदि जगत गुरु शंकराचार्य जो 7वीं सदी में आए थे, आज तो 20वीं सदी है, 21वीं सदी आ गई है, 7वीं सदी में 1400 साल पहले उन्होंने एक श्लोक लिखा शिव जी के लिए। हे भोले बाबा, मैं आपको जानता हूं, क्या आप कौन हो, आप कहां रहते हो, आपका मंदिर क्या है, आपके गण कौन हैं, ध्यान देना। आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः
संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोत्राणि सर्वा गिरो यद यत कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तव आराधनम्। देखो इतने बड़े विद्वान पुरुष का वचन है हमारे लिए कितना उपयोगी है। मुझे तो बड़ी निश्चिंतता होती है कि कोई चिंता नहीं, मैं मंदिर में पूजा करनी चाहता हूं लेकिन भगवान ऐसा ना करे कभी मौका ना मिले ना आ सकूं तो ये शंकराचार्य का मंत्र याद रखो। ये पूजा क्या बताया उसमें, हे भोले बाबा मैं जानता हूं मेरे शरीर में जो आत्मा है वो कौन है, वो शिव है। शिवो मम आत्मा मम चक्षुराद्य मम चक्षु रीशः। आप अगर पंच देवता कहेंगे ना तो हम आपको फिर व्याख्या करेंगे, पंच देव आपके ही शरीर में विराजमान है और शिव जी आत्मा तुम, बोले आत्मा हो आप। तो पार्वती कौन है, बोले गिरिजा मत ही जो बुद्धि है हमारी ये पार्वती है। तो बोले बुद्धि पार्वती है तो शिव जी के गण कौन है, सहचरा प्राणा प्राण अपान उदान व्यान समान, पांच वायु है ना, तो शिव जी के पांच गण हैं। हृदय प्राण हृदय में प्राण रहता है, गुदे पान व्यानो सर्व शरीर अपान वायु, आप जानते हैं जो हमारी बुरी दूषित कार्बन डाइऑक्साइड को वह शरीर से बाहर निकालता है, प्राण जो हृदय में हृदय को गति देता है, व्यान सारे शरीर में रहता है। तो ये शिव जी के पांच गण हैं। और शिव जी का मंदिर क्या है, बोले ये शिव जी का मंदिर है। हम क्यों बढ़िया स्नान करके खूब बढ़िया चंदन लगाते हैं बंठन के क्यों रहते हैं, खूब रहा करो मौज में, बढ़िया रेशमी कपड़ा पहनो खूब बढ़िया कीमती कपड़ा, क्यों नहीं, इसलिए नहीं, ये भगवान का मंदिर है। शंकराचार्य भगवान कहते हैं आत्मा तुम गिरिजा मति सहसरा प्राण शरीरम गृहम, थोड़ा और ध्यान देना। आप लोग बहुत अच्छे साधक हैं, शिवजी की पूजा शिवरात्रि को ही नहीं करनी, रोज करनी है, हमेशा करनी है। क्या है, आत्मा तुम गिरिजा मति सहसरा प्राण शरीरम गृहम। पूजा क्या है, तो पूजा है पूजा ते विषयोपभोग रचना, हम जो भी खाते हैं वो ठाकुर जी की पूजा होती है, वो भगवान की, क्योंकि आत्मा है शिव जी। हम कहते हैं हमने शिव जी को दूध का अभिषेक किया, जल का किया, दही का किया, घी का किया, शहद का किया, शक्कर का अभिषेक करते हैं, पंचामृत का, पयोदधि घृतम चैव मधु शर्करयान्वितम पंचामृतम मयानीतम गृहाण परमेश्वर, भगवान से कहते हैं। तो आप हम कभी कभी क्या करते हैं, हम भगवान को चाय से अभिषेक करा देते हैं, कभी कॉफी से अभिषेक करा देते हैं, चलो इतना तक तो चल जाता है, कभी कभी और कई चीजों से अभिषेक करा देते हैं तो वो पूजा में थोड़ा सा विघ्न हो जाता है। इसलिए हमारे जो महात्मा हैं जिनको 24 घंटे पूजा करनी होती है, भोले बाबा ने जहर पिया, देखो शिव जी कितने बड़े भक्त हैं, शिवस्य हृदये विष्णु विष्णोश्च हृदये शिवः, शिव जी के हृदय में विष्णु है, विष्णु के हृदय में शिव जी हैं, शिव जी विष्णु का ध्यान करते हैं। तो विष्णु भगवान मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, भगवान ने गीता में बोला ईश्वर सर्वभूतानां हृदये सृजन तिष्ठति, 18वें अध्याय में गीता में, मैं सबका ईश्वर सबके हृदय में रहता हूं। भोले बाबा ने जहर पिया और जहर पी लिया, पार्वती ने कहा पी जाओ, ये देवता लोग बड़े दुखी हो गए हैं, सारा संसार को नष्ट करने वाला कालकूट, आप संसार की रक्षा करो, आप विश्वनाथ हो, पी जाओ। शिव जी पी गए, लेकिन पीने के बाद गीता का वो श्लोक याद आया, मैं सबके हृदय में रहता हूं। भोले बाबा ने क्या किया, यही स्टॉप कर दिया उसको, नीचे जाने नहीं दिया। बोले यदि मैं इसको नीचे जाने दूंगा तो मेरे हृदय में ठाकुर जी बैठे हुए हैं और ठाकुर जी को भोग लग जाएगा, तो ठाकुर जी को तो मक्खन मिश्री खिलाते हैं लोग, ठाकुर जी को बढ़िया मलाई लेकर लोग भोग लगाते हैं, बढ़िया बढ़िया वस्तुओं का भोग लगाते हैं, मैं उनको जहर का भोग लगाऊंगा, नहीं कभी नहीं लगाना दूंगा। देखो भक्ति हमें कितना बचाती है, भक्ति हमारी कैसे रक्षा करती है, न देवा दंड मादाय रक्षन्ति पशुपालवत् यम सुरक्षितुम् इच्छन्ति बुद्ध्या संयोजयन्ति तम्। परमात्मा डंडा लेकर हमारी रक्षा नहीं करते, ए दुष्टो ये मेरा भक्त है इसको कष्ट मत देना, ऐसा भगवान कहते,
डंडा लेके भगवान हमारे पीछे नहीं दौड़ते कि कोई तुम्हारे कुछ काम बिगाड़ेगा मैं इसको डंडे से मारूंगा, ऐसा थोड़ी करते हैं। जिसको जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसको बढ़िया बुद्धि दे देते हैं, ऐसा करो इधर चलो, ऐसा करो तुम ये करो, तो हमारी रक्षा हो जाती है। शिव जी को कहा कि मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूं, मुझे जहर भोग लगाओगे, जहर का भोग लगाओगे। शिव जी ने वही रोक लिया और गले में रोका तो नीलकंठ, संसार में नीलकंठ भगवान की, आज भी दुनिया नीलकंठ। तो कहते जहर को अगर दिल में ले जाओगे तो हार्ट अटैक होने का डर है, अगर बुरी बात किसी ने कह दी, जहर है ना दिल में ले गए तो वहीं पर पता नहीं एक मिनट में किसी ने, अरे उसने कुछ कह दिया था, उसको तो हार्ट फेल हो गया सुन के कोई बात, और ये कोई ऐसा देख करके जहर है ना वो संसार का, और एकदम यहां ले गए, और अगर इसलिए कहां रखना है, और अगर बाहर उगल दिया तो शिवजी कैसे यार, पीना है गले में रख लिया बिल्कुल यही, बाहर आने नहीं दिया, भीतर ले जाने नहीं दिया, बाहर माने किसी से बोला नहीं, खरा उसने मेरे को गाली दी थी, आप ऐसे बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, वो भी आपका दुश्मन बनेगा जिसने गाली दी है, और वो सारे संसार में प्रॉब्लम। तो आप शिव, तो ये मैंने बताया, और क्या, और जरा से एक मिनट ध्यान करें, आत्मा तुम गिरिजामती सहसरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषय उपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, और जब मैं सोने जाता हूं तो सोते हुए मैं नमः शिवाय मंत्र का जप करते करते बड़े आराम से समाधि में चला जाता हूं, तो मेरा सोना नहीं होता है तो मेरी समाधि होती है, और संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, और जब मैं चलता हूं तो शिवजी कहां हैं, तो शिवजी कहां नहीं है, तो कहते गॉड, कहते भगवान कहां है, गॉड इज नो वेयर। वो कहता है नो के डब्लू को इधर लगा, नो वेयर के डब्लू को नो के साथ जोड़ो, गॉड इज नाउ हियर। वो नो वेयर कहते हैं कहीं नहीं है, बोले बोले अभी यही है। और इस प्रकार से सारे संसार में जब भगवान है तो आप जहां भी कहीं जाते हैं तो भगवान की परिक्रमा ही तो करते हैं आप, प्रदक्षिण विधि, और आप जो जो मुख से बोलते हैं वो सब भगवान की स्तुति ही बोलते हैं, क्योंकि सारे शब्द तो भगवान की स्तुति हैं, सारा शब्द शास्त्र भगवान के ही डमरू से निकला है। आई यू रिलेट, तो मैं आपसे निवेदन करूं ऐसे भगवान की ऐसी साधना जो प्रत्येक क्षण होती है, क्योंकि न जाने कौन से क्षण हम, हमारा कुछ ऐसा हो, कोई भी क्षण हमारे लिए व्यतीत व्यर्थ में व्यतीत ना हो, हर क्षण का मूल्य करते हुए जीवन को सफल बनाए। इन शब्दों के साथ हम श्रीमती नूतन जी को आग्रह करते हैं कि आज की सूचना दें, उसके बाद आरती, आगे का कार्यक्रम। धन्यवाद स्वामी जी, जय श्री कृष्णा। यहाँ आए सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विधि भोजन शशि कुमार एवं परिवार की तरफ से है। शशि कुमार परिवार की तरफ से ऐसे विधि भोजन के उपलक्ष्य में आप सब पधारे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 10 फरवरी को शोभा माथुर और रवि माथुर की तरफ से विधि भोजन का आयोजन किया गया है, और मातृ परिवार की तरफ से मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ, विनती करती हूँ कि अवश्य आइएगा 10 फरवरी को।